उसी खिताब में सेक्टर इस्लाम की है। मेरा नाम जकिया थामर है, पंजाब यूनिवर्सिटी से मेरा ताल्लुक है। हमारा जो डिपार्टमेंट है लिंग्विस्टिक्स, मैं वहाँ पर 2011 से अपॉइंट हूँ, और वहाँ पर मैं खिताब के लाभ किसी बाउंड्री लर्निंग और लातिनी का मॉडल, और से जॉन बोस लोग आए पास्टर्स वकला मजबी स्कॉलर के लिए आपको ये जबानी सीखी। आज की वीडियो का जो मेरा मकसद वो ये है कि हमारे एक दोस्त हैं सेंटर ने डॉक्टर हारिस मुबीन साहब, बहुत अच्छे हमारे प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर, लास्ट ईयर एक कॉन्फ्रेंस में मुझे मिले और मुझे कहा डॉक्टर साहब ने जाकर कहा, और हमने छोटी सी मीटिंग की और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हम मसीही बच्चों के लिए और जितने भी गैर मुस्लिम बच्चे हैं उनके जो सिलेबस उनके मजहब के मुताबिक बनाए और हम उसको BS प्रोग्राम में लेके आए। वजह ये है कि उनके देखा जा रहा है कि जो हमारी यूथ है वो दूर जा रही है मजहब से, उन बातों से, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि जो लोग हैं बच्चे जो हमारे यूथ हैं वो सिलेबस के जरिए वापस एक रास्ते में आए खुदा के कलाम को, चाहे वो किसी भी मजहब की वो अपने अपनी किताबों में वो जो है उसकी ग्रिप हो पढ़े समझे। तो लिहाजा आप बाइबल के लिहाज से एक सिलेबस बनाते हैं, मैंने उनको पूरी बाइबल का सिलेबस बना के दिया और उन्होंने वो फॉरवर्ड किया और वाइस चांसलर साहब ने उसको अप्रूव कर दिया। नोटिफिकेशन जारी है, मैं आपको वो नोटिफिकेशन दिखा सकता हूँ, साहब आप देख सकते हैं। आप यूनिवर्सिटी में भी आप जो हमारी PU की वेबसाइट है वहाँ पर भी आप उसको देख सकते हैं कि कैसे आप उसको जो है वो या देख रहे हैं। हमारे पास ही नोटिफिकेशन है, इसमें प्रॉपर जो है इसमें ऑर्डर्स हैं कि आप जो फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज है वो अल्टरनेट टू कुरान नॉन मुस्लिम बच्चों के लिए करेगी। ये पूरा सिलेबस जो है वो हमारा बहुत दिवाल है, आप उसको देख सकते हैं। और जब ये प्रूफ हो गया तो फिर हमारा ये देखें आप ET 001 की BS 2 के लिए है, और इसी तरह हमारा ये सारा सिलेबस हमारे पास मौजूद है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ये मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं। और हाल ही में जब BS के एग्जाम हुए जो डेट शीट आई हमारे पास, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 6 सेमेस्टर की डेट शीट है, वहाँ पर भी ये बारहवीं का कोर्स जो है 18/11 को ये बारहवीं का पेपर था। उसके अलावा ये हमारे पास सेकंड सेमेस्टर की डेट शीट है, इसमें जो लास्ट पेपर था वी बाइबल फॉर क्रिश्चियन ऑफ गीता फॉर हिंदू, ये ET 001 कोर्स है। और इसी तरह जो हमारे पास दूसरी जो डेट शीट मेरे पास मौजूद है उसमें आपको दिखा सकता हूँ, वो भी उसमें आप देखें यहाँ पर आप तमाम जो डेट शीट मेरे पास है उसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर इजिली ये हमारे पास ये दाखिल यहाँ पर 11 का पेपर था बाइबल क्वेश्चंस, और ये 8 सेमेस्टर की है। ये तमाम जो ये 4 सेमेस्टर है 2, 4, 6 और 8 में इसमें क्वेश्चंस के लिए बाइबल जो है प्रॉपर तरीके से अनाउंस हो चुकी है, और हमारे सारे बच्चे जो यूनिवर्सिटी के हैं वो किसी भी डिपार्टमेंट के हों उनके लिए कंपल्सरी या मैंडेटरी है कि वो उसको पढ़ें। आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन में वहाँ लिखा है कि ये जो कोर्स है ये मैंडेटरी है, यानी इसका मतलब है कि ये लाजमी करना पड़ेगा, ये ऑप्शन में नहीं है कि आप इसको छोड़ दें। दिस कोर्स इज मैंडेटरी कंपल्सरी टू वर्ल्ड डेली, ये लाजमी है वो पढ़ना पड़ेगा। और इस चीज़ के लिए हम मशहूर हैं इस्लामिक सेंटर के कि उन्होंने हमें ये जो है मौका दिया कि हम खुदा के पाक कलाम को जो है वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें BS लेवल में पूरे पंजाब में, ना सिर्फ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं बल्कि जो अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वहाँ पर भी बारहवीं जो है जो शुरू हो चुकी है। बहुत से बच्चों को भी नहीं पता, मुझे अभी भी कॉन्टैक्ट नंबर्स जो है आ रहे हैं, नए से नए बच्चे भी एनरोल हो रहे हैं, नहीं पता। तो इस वीडियो का मकसद ये कि आप उसको ज़्यादा से वायरल करें, जिन बच्चों बच्चे हमारी यूनिवर्सिटीज के हैं या कॉलेज के हैं उनको नहीं पता उनको बताएं कि फौरी आप एनरोल हो आप हमारे पास आए। मेरा जो नंबर है वो 0333-4528-616 है, जितने मेरा नाम है मुझसे रब्ता करें ताकि हम आपका जो डेटा है अपने पास सेव करें। इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं डॉक्टर हर साहब का और सेंटर फॉर कुरान सुन्ना का और पंजाब यूनिवर्सिटी का, जिन्होंने मसीहों के लिए ये अलाउ किया कि वो
बाइबल को जो है प्रॉपर्टी के शेयर के समय बस में कोर्स बन के आए हैं तो हम पढ़ सकें। और जब हमारे बच्चे पढ़ने आएंगे सेमेस्टर BS प्रोग्राम 1 से 8 तक जब पढ़ेंगे तो जब अपनी डिग्री मुकम्मल करेंगे तो एक लिहाज से उनकी पूरी सेमिनरी पूरी हो चुकी होगी, हमने इस तरह डिजाइन किया। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने इसमें महसूस किया देखा जिस तरह हमारे मुस्लिम भाई हैं ब्रदर हैं दोस्त हैं वो अरेबिक लैंग्वेज में जो है बहुत मेहनत करते हैं, तो हमारे मसीह बच्चों को भी या जो भी इस प्रोग्राम में उनको ग्रीक लैंग्वेज लाजमी आनी चाहिए जो कि बाइबल की जुबान है। पुराना सेप्टुएजेंट है ग्रीक में और न्यू टेस्टामेंट टोटली ग्रीक लैंग्वेज में, और ये पढ़ना बहुत जरूरी है। और उसके साथ लातिनी जुबान जो चर्च रोम की लैंग्वेज है जो आज भी वेटिकन में ये कंपल्सरी है, कोई भी प्रीस्ट जो है जब वो सेरेमनी करता है वो उसके लाजमी पे लातिनी को पढ़े। तो हमारा दो अदारा है ये जबानों में डिप्लोमा के साथ करवा रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें एडमिशन है, अभी एडमिशन ओपन है ताकि आप खुद आके पाक कलाम को भी सीखें और जो जबानें जिनमें ये बाइबल लिखी गई थी और जो चर्च की लैंग्वेज रही है उसमें एक्सेल हासिल करें, डीपली उसको पढ़ें, तो इससे ना सिर्फ आपका ईमान मजबूत होगा बल्कि आप मुहाफ़िज़ ईमान साबित होंगे। और मैं शुक्रगुजार हूँ आसो अपने चर्चेस का भी जिनमें साहबान है जिन्होंने हमें सपोर्ट किया और वो स्टूडेंट्स को जो है वो रेफर करते हैं, स्पेशली कैथलिक बाइबल कमीशन पाकिस्तान वालों का भी जो कि ना सिर्फ बाइबल की लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं बल्कि वो सपोर्ट भी करते हैं, जो स्टूडेंट्स हमारे मसीही पढ़ना चाहते हैं वो उनकी पूरी की हेल्प भी करते हैं। बाइबल स्टडी का बड़ा इसमें हाथ है तो बाइबल स्टडी भी जो है वो ग्रीक उर्दू इंटरव्यू का काम कर रही है, मैं उसका भी मेम्बर हूँ, हम उसको तर्जमा कर रहे हैं और वो भी इसको बड़ा प्रमोट करते हैं। उसमें भी गर्ज तमाम जो हमारे मसीही स्कॉलर्स हैं वो इसमें शामिल हम के मशहूर हैं। तो आखिर में मैं थैंक्स कहूँगा पंजाब यूनिवर्सिटी को भी, सेंटर कानून सुन्ना को भी और हमारे तमाम चर्चेस को, विशेष सहबान को, और साथ साथ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप खुद भी सीखिए अपने बच्चों को, जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी में कॉलेज में को लाए, हम ऑनलाइन भी क्लासेस लेंगे ग्रीक को लेटर को पढ़ाने के लिए, जो उस पर एनरोल हों और आप बेहतर से बेहतरीन जो है मसीही साबित होंगे, ईमान में मुआफ़ी ईमान साबित होंगे, अपने ईमान को डिफेंड करना सीखेंगे, तो बाइबल के जो सवाल उठते हैं आप उनको अच्छी तरह से जवाब दे सकेंगे। आप वक्त के लिहाज से आपको बरकत दी आप सके। आमीन।